फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्तपा, जिसके लिए मैंने 3 कप चावल और 1 कप सफ़ेद उड़द की दाल को भिगो कर रखा था, जिसे मैंने पीस लिया है और इस तरह से इसका बैटर बना लिया है। तो अब हमें बनाना है उत्तपा, तो मैंने जिसके लिए यहाँ पर एक छोटी साइज़ की प्याज को इस तरह से चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च कट करके डाल दी है, थोड़ा सा डाल दिया हरा धनिया, आधे टमाटर को मैंने इस तरह से चॉप करके डाल दिया, नमक मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। अब मैंने जो बैटर पीस कर रखा था, बना कर रखा था, वो अब हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से इसे हमें मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने और थोड़ा सा बैटर ऐड कर दिया है इस तरह से, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, मैं इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये मैंने तवे पर बैटर डाल दिया है इस तरह से। तो अब हमें चारों तरफ से इसके हमें ऑयल डालना है और इस तरह हमें एक तरफ से उत्तपा हमारा अच्छे से सिक चुका है, अब हम इसे पलट देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये उत्तपा पलट दिया है एक तरफ से, देखिए अच्छे से हमारा क्रिस्पी उत्तपा रेडी है। और दूसरी तरफ से भी हम ऑयल डालकर इसे अच्छे से हमें सेक लेना है। देखिए दूसरी तरफ से भी उत्तपा हमारा अच्छे से सिक चुका है। तो दोनों तरफ से हमने ये उत्तपा अच्छे से सेक लिया है और ये हमारा सिंपल और टेस्टी उत्तपा बिल्कुल रेडी है। ये छोटों से लेके बड़ों तक, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।